नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार जगत। आज जो हम आपको खबर दिखाने वाले हैं वो अपने आप में ही इंदौर की स्वच्छता वाली छवि पर सवाल उठा देगी। सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इंदौर के पॉश इलाकों में से एक विजयनगर एरिया की है। आखिर क्या है यहाँ के लोगों की मजबूरी जो उन्हें यहाँ पर रहना पड़ रहा है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। स्टार चौराहे के सामने स्थित कृष्णबाग कॉलोनी में लोगों की परेशानी असहनीय है। इस गली में नर्मदा और ड्रेनेज लाइन के लिए सड़क को खोदा गया था जो अभी तक बन नहीं पाई। सुनने में तो यह बड़ी साधारण समस्या लग रही है कि सड़क नहीं बन पाई, लेकिन इस परेशानी को सिर्फ वही समझ सकता है जो दिन रात कीचड़ से भरे रास्ते से होकर गुजरता हो, जहां पर लोगों के साथ साथ मच्छर, मक्खी, सुअर जैसे जानवर भी आसपास रहते हो। लोगों को काम पर जाने के लिए अपनी गाड़ियों को घर पर ही छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जॉब पर जाना पड़ता है। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग तो अपने कंधे पर साइकिल रखकर पूरा रास्ता पार करते हैं। छत के नीचे रहने के बावजूद भी यहाँ के लोग कीचड़ में जी रहे हैं। अखबार जगत की टीम ने जब इस बारे में पूछा तो लोगों का कहना है कि इस बारे में कई बार पार्षद से शिकायत की गई, लेकिन पार्षद कभी इस गली में आते ही नहीं है और न ही इस बात पर ध्यान दे रहे। रहवासियों का कहना है कि गली में दो गर्भवती महिलाएं भी हैं, ऐसे में जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस भी वहां नहीं पहुंच सकती। यदि डिलीवरी वाली भाई हो, यदि उसको प्रसव का टाइम हो जाए तो वो भी जाना मुश्किल है, कहाँ ले जाएंगे? हॉस्पिटल है आसपास, यहाँ से यहाँ तक पास में है ही नहीं, कम से कम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से है ही नहीं है। यदि प्रसव भी के टाइम आए तो भी ना निकल सके व्यक्ति। ये रिक्वेस्ट है, चाहे वो पार्षद हो या कमलनाथ हो या नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, हम शासन लाना चाहते हैं तो शासन गिराना भी चाहते हैं। ये नहीं है, यदि हमने लाया है तो उसको मिटाना भी जानते हैं। हमसे बनता है, हम ही गिराते हैं और हम ही उठाते हैं। इस विषय पर पार्षद सुनील पाटीदार से भी बात की गई, सुनिए उन्होंने क्या कहा। वहाँ पर ड्रेनेज लाइन डाली गई है, तो ड्रेनेज लाइन काफी गहरी थी और हमने पानी का ही इंतजार किया था कि जो वर्षा का पानी गिरेगा उसके बाद ही हम उसके ऊपर हम लेवल का करने का काम शुरू करेंगे। वो रोड सेंशन भी है, सीमेंट कंक्रीट करना भी है भविष्य में, परंतु बारिश का पानी जब तक इन जो खुदी हुई नालियों के अंदर नहीं जाएगा और वो सेट नहीं होगी, यदि रोड बनाना भी बेकार काम है उस पर। अब सोचने वाली बात है, इस तरह लाइन डालने के बाद बारिश का इंतजार किया जाए तो शहर की कई सड़कों के यही हाल होते और शहर की ज्यादा से ज्यादा सड़कें खुदी पड़ी होती। अब देखना होगा कि पार्षद इस पे कितनी जल्दी काम शुरू करते हैं।